ये लोग यूट्यूब वाले बाबा को मजाक बना रहे हैं और हंस रहे हैं किस प्रकार से, देखो देखो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं टेक चैंपियन सपोर्ट यूट्यूब वाले बाबा को अभी अभी स्ट्राइक आ चुकी है। क्यों स्ट्राइक आ गई है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि टेक चैंपियन के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस जिसके खिलाफ वीडियो बनाई थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव टॉपिक था, जिसकी वजह से उनको स्ट्राइक आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जुन्नू की टेक भी यूट्यूब वाले बाबा की मजा ले रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है इन सब के बारे में बताएंगे दोस्तों, कि जुन्नू की टेक ने यूट्यूब वाले बाबा को लेकर के क्यों बाबा को फर्जी बाबा बोल दिया, क्या दिक्कत है। जुन्नू तो वहाँ पे मनोज देव की शादी में भी मिले थे, और देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं टेक चैंपियन सपोर्ट रो रहे हैं, क्योंकि उनके चैनल पर दोबारा से स्ट्राइक आई हुई है। एक बार उनका चैनल सोच समझते उनका 2.4 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में थे। अभी वही काम फिर से यूट्यूब वाले बाबा के साथ हुआ है दोबारा से, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि यूट्यूब वाले बाबा के साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सही हुआ है। और बहुत से लोग उनको मतलब भरा बुरा भी कह रहे हैं, क्योंकि सबके बीच में टांग अड़ा देते हैं, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है। यूट्यूब वाले बाबा ने कितने गरीबों की मदद की है, कितने लोगों को मोबाइल फ़ोन बांटा है, माइक बांटा है, और कितने लोगों को प्रमोट किया है आप लोग जानते होंगे दोस्तों। मगर यूट्यूब वाले बाबा के साथ जब ऐसा हो रहा है तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे टेक्निकल कौशल सपोर्ट करके हैं, ये मतलब पेज वॉच टाइम और सब कुछ बेचते हैं। तो ये लोग इन्होंने देख सकते हैं यूट्यूब वाले बाबा की किस प्रकार से इन्होंने भला बुरा कहा है और गालियां भी बकी हैं। देख सकते हैं बाबा को बोला है कि बाबा जी का ठुल्लू, बाबा ने यूट्यूब ने बाबा के ऊपर डंडा चलाया। देख सकते हैं डंडा भी है इनके हाथ में। तो दोस्तों इन्होंने क्या क्या कहा आइए सुनाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से ये लोग यूट्यूब वाले बाबा को मजाक बना रहे हैं और हंस रहे हैं किस प्रकार से, देखो देखो देखिए। यूट्यूब वाले बाबा को यूट्यूब ने ही रेल दिया, क्योंकि यूट्यूब वाले बाबा खोलने चले थे सबका पोल और उनका ही पट्टे हो गया टोल। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब वाले बाबा, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग YouTube वाले बाबा को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनके चैनल पर स्ट्राइक आ चुका है और 7 दिन के लिए वो अब अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि YouTube वाले बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि YouTube वाले बाबा के साथ इतने समय बहुत ही ज़्यादा YouTube ने गलत किया है, और YouTube ने उनके साथ गलत नहीं किया है। जो लोग मतलब जो लोग गंदा वीडियो बनाते हैं YouTube वाले बाबा ने उनके ऊपर उंगली उठाई थी, जिसकी वजह से उनको खुद ही उल्टा स्ट्राइक पड़ गई, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं जो YouTube वाले बाबा के इस समय में सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर बहुत से लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए आइए दिखाते हैं आखिरकार उनके चैनल पर वीडियो क्यों नहीं पड़ी है, क्या दिक्कत है। देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक आ चुकी है उनके चैनल पर, और वो कौन से चैनल पर काम कर रहे हैं ये सभी जानकारी आपको हम देने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए यूट्यूब वाले बाबा टेक चैंपियन सपोर्ट का चैनल है, जिसमें से इनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं 7 लाख प्लस, और इन्होंने लास्ट वीडियो डाला है एक दिन पहले, मतलब यूट्यूब यहाँ पे आ रहे हैं ना दिल्ली में, और यहाँ पे मीटअप होने वाला है क्रिएटर कार्निवल का, तो वहीं पे आने वाले हैं। उसी वीडियो के बाद से उनको स्ट्राइक पड़ गई है, किस वीडियो में स्ट्राइक पड़ी है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे कि कौन से वीडियो में स्ट्राइक पड़ी है। तो देख सकते हैं चलिए आइए दिखाते हैं, ये जो वीडियो है दोस्तों ये वीडियो है, और कुछ बिहार के यूट्यूबर क्या बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं जो कि गंदे वीडियो बना करके बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इनके पीछे जो ये कुछ फोटोज़ लगी हुई हैं, इसी वीडियो में यूट्यूब वाले बाबा ने गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनको यूट्यूब ने स्ट्राइक भेज दिया। क्या गलती किया है, क्या किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना, जो लोग मतलब रियल में सेक्सुअल कंटेंट बनाते हैं उनको इस प्रकार से स्ट्राइक नहीं पड़ी, और जो उन्होंने यूट्यूब के खिलाफ मतलब बोला कि ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, यूट्यूब बंद हो जाएगा इन जो गंदे लोग हैं इनकी वजह से, तो उनकी वजह से यूट्यूब वाले बाबा को स्ट्राइक पड़ गई है। आखिर क्यों पड़ी, क्या यूट्यूब ने स्ट्राइक दी है या किसी की वजह से। और यहाँ देख सकते हैं टेक्निकल कौशल भाई तो खूब यहाँ पे मजे ले रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब वाले बाबा, क्योंकि ये अपना धंधा चलाते हैं। आज तक इनके खुद के 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, और दूसरे को ज्ञान पेलते हैं ये कर लो वो कर लो कि आप यूट्यूब पर पैसे लगा करके ग्रो हो सकते हो, आपको अच्छी तरीके से अगर यूट्यूबर बनना, 1000 सब्सक्राइबर मत बढ़ाओ, 99000 सब्सक्राइबर के बाद 1 लाख सब्सक्राइबर का सपना देखो भाई। जब 1000 पहुँचेगा तभी तो 99000 बनेगा, अब आप उसको बेच करके अपना पेट भर रहे हो पाल रहे हो तो
गरीबों को लूट रहे हो, सही डायरेक्ट बोला जाए तो आप उनको काहिल बनाते हो इस वजह से, क्योंकि आपकी रोजी रोटी चलती है और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। अब एक तो बंदा उसके पास पैसे नहीं है और उससे आप पैसे मांगोगे और वो पैसे कहाँ से देगा, तो आप लोग समझ सकते हो गरीबों किस प्रकार से उनके इमोशन के साथ उनके सपने खरीदे जाते हैं और उनको यूट्यूबर बनाया जाता है। मगर बहुत से लोग यहाँ पे यूट्यूबर नहीं बन पाते ज़्यादातर केस में, क्योंकि यूट्यूब एक एल्गोरिदम के काम करता है। तो यूट्यूब वाले बाबा को क्यों स्ट्राइक पड़ी है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यूट्यूब वाले बाबा ने जब कहा था कि यहाँ पे जाइए हमारा वहाँ पे मतलब जो भी इस प्रकार के वल्गर कंटेंट दिखो उसमें स्ट्राइक करना है, और जो मतलब यहाँ पे सब्सक्राइबर थे यूट्यूब वाले बाबा के, उन्होंने दूसरे के चैनल मतलब उन्होंने कहा था जब किसी का चैनल तुम्हारे सामने आए उस प्रकार का गंदा वीडियो वाला वल्गर कंटेंट का, तो उसमें जाके आपको मतलब यहाँ पे वो करना है कमेंट, उसमें जाके कमेंट में रिपोर्ट करना है। तो उसमें रिपोर्ट करने की जगह जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर उसी वीडियो में रिपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यूट्यूब वाले बाबा की यहाँ पे स्ट्राइक आ चुकी। हो सकता है कोई और जो मतलब इनके दुश्मन हैं खिलाफ कहें वो लोग भी रिपोर्ट करवाए हैं इनकी इस वीडियो में, जिस वजह से यूट्यूब को मैसेज पहुँचा होगा और यूट्यूब की टीम को जानकारी लगी होगी तो यूट्यूब की टीम ने इनके चैनल पर स्ट्राइक भेजा हो सकता है ऐसा। बट अब देखना होगा कि क्या अंशु सर अब इस चैनल पर 7 दिन के लिए वीडियो नहीं डाल पाएंगे, अब वो किस चैनल पर डालेंगे वो भी आपको हम बताएंगे दोस्तों, कि अब अंशु सर किस टाइप के किस चैनल पर डालेंगे, कौन सा उनका चैनल है जिसमें वो वीडियो डालने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो पॉपुलर वीडियो 42 लाख है, अभी सारस वाला इनका न्यूज आया था आरिफ सारस का, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा व्यूज है। तो इतना बढ़िया चैनल ग्रो हो रहा था, 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके थे, मगर यूट्यूब ने फिर से एक बार यूट्यूब वाले बाबा को स्ट्राइक मार करके देख सकते हैं किस प्रकार से बर्बाद कर दिया। 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आइए बताते हैं कि अंशु सर अब किस चैनल पर अपना वीडियो डालते हैं। देख सकते हैं उनके नाम से एक चैनल था अंशु मौर्य ब्लॉग्स, ठीक है, और इसी पर अब वो इतने समय कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। देखिए 1 मिनट पहले उन्होंने डाला था यहाँ पे वीडियो डाला, यूट्यूब बाबा की यूट्यूब की कमाई बंद हो गई क्योंकि इनको स्ट्राइक पड़ चुकी है, और तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा उदास है देख सकते हैं इनको, और लोग मजाक बना रहे हैं, मजाक बनाने वाले यार मजाक बनाते रहेंगे और बाबा अपना काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका ये नया चैनल है देख सकते हैं, इन्होंने इस चैनल पर बताया था जिसमें देख सकते हैं आप लोग 52,000 लोग देख चुके हैं यूट्यूब वाले बाबा को। तो आप लोग भी समझ सकते हैं दोस्तों एक यूट्यूब चैनल पर काम करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप अगर 2-3 चैनल बना के रखेंगे तो जिसकी वजह से भविष्य में फ्यूचर में आपके साथ भी इस प्रकार की मुसीबत आ सकती है, आपका भी चैनल टर्मिनेट कर दिया जाए, आपका भी स्ट्राइक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि किसी को भी गलती किसी और के माथे पर पटका जा रहा है। तो सीधा सीधा कहें कि आप लोग यूट्यूब पे काम करें, मगर जब इतने बड़े क्रिएटर को स्ट्राइक पड़ सकती है तो छोटे क्रिएटरों का क्या होगा, आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे क्रिएटरों की तो कुछ वैल्यू ही नहीं यूट्यूब की, जिनके 5 लाख 8 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल डिलीट हो जाते हैं तो नए क्रिएटर का क्या होगा। और शॉर्ट चैनल अभी इतनी समय इतनी तेज़ी से डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट वालों की तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी यूट्यूब ने, लॉन्ग वालों की भी यहाँ पे बर्बादी कर रहा है यूट्यूब। अब क्या यूट्यूब मतलब यहाँ पे यूट्यूब नहीं चाहता कि कोई इनके यहाँ पे काम करे इस प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से स्ट्राइक दे देता है। इतने बड़े क्रिएटर को जब स्ट्राइक पड़ सकती है तो छोटे यूट्यूबरों को तो आसानी से स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन कुछ भी आ सकती, वार्निंग आ सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, आप लोग अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोग अंशु सर को प्यार करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अंशु सर के जो चाहने वाले उनके सब्सक्राइबर हैं उन सभी को पता चले कि अंशु सर अभी मतलब यूट्यूब वाले बाबा किस चैनल पर काम कर रहे हैं, कौन से चैनल पर उनकी वीडियो आ रही है, और आप लोग भी इनका सपोर्ट करें क्योंकि इनके साथ अभी बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है और बहुत से लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे और सब आप जो लोग भी काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे। दुनिया है भाई, हंसने वाले तो इकट्ठा हैं, मगर आपके दुख के समय में कोई साथ खड़ा हो वही बहुत बड़ी बात है। तो भाई लोग आप लोग यूट्यूब बाबा को सपोर्ट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि यूट्यूब वाले बाबा के जितने भी सब्सक्राइबर उन सबको पता चले कि वो अभी किस चैनल पर काम कर रहे हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलते फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे एक बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।